मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर, हम लोग का सब्जेक्ट है F1 और यूनिट 4, लेक्चर नंबर 13। आज का हम लोगों का प्रकरण है मॉन्टेसरी स्कूल। तो ये जो मॉन्टेसरी स्कूल है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षण प्रणाली का वर्णन करें और उनके द्वारा स्थापित मॉन्टेसरी स्कूल का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग मौर्य मॉन्टेसरी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किए हैं, आज हम लोग उनके द्वारा स्थापित मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी ने कमजोर एवं मंद बुद्धि के बालकों के लिए इटली में की। कहाँ की थी? इटली में। इस विद्यालय में मौर्य मॉन्टेसरी चाहती थी कि पिछड़े बच्चे जो कमजोर है और जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है, जो मंद बुद्धि के हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए, उनको विशेष प्रकार से शिक्षा दी जाए जिससे वह समान श्रेणी के बच्चे के साथ अपना समायोजन कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मॉन्टेसरी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें कमजोर और मंद बुद्धि के बालकों को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि द्वारा मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय इटली के साथ साथ यूरोप के लगभग अधिक देशों में लोकप्रिय हो गए। इस विद्यालय में तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था है। यानी मॉन्टेसरी विद्यालय में 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह जो विद्यालय है, जो मॉन्टेसरी विद्यालय है, इसे बाल गृह भी कहा जाता है, चिल्ड्रेंस हाउस। मॉन्टेसरी विद्यालय को बाल गृह भी कहा जाता है। मॉन्टेसरी विद्यालय को बाल गृह क्यों कहा जाता है कि जो मॉन्टेसरी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उसी विद्यालय में रहते थे, मॉन्टेसरी विद्यालय में ही रहते थे, और उनके लिए जितना उपयोगी के सामान है सारी चीज़ का व्यवस्था विद्यालय में ही किया जाता था। खाना पीना हो, रहने के लिए खाने पीने की वस्तु, रहने के लिए आवास, पढ़ने के लिए शिक्षक की व्यवस्था, कॉपी किताब की व्यवस्था, क्लासरूम की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे को बैठने के लिए छोटे छोटे डेस्क टेबल, उसके बाद उस सब के रखने के लिए अपने उसके जितने भी पढ़ने लिखने की जो सामग्री है उसके रखने के लिए छोटे छोटे अलमारी बनाया जाता था। यानी जितने भी उसके उपयोगी का सामान है बच्चा को उसे वहाँ उपलब्ध था। उसके बाद इस विद्यालय की सबसे खासियत यह था कि इस विद्यालय में बच्चे को अपने कार्य खुद उसी को करना होता था, यानी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता था इस विद्यालय में। मॉन्टेसरी विद्यालय की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं सबसे पहली बात, इस विद्यालय में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जो मॉन्टेसरी विद्यालय है इसमें बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता है, और पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं हुआ कि बच्चे को छोड़ दिया जाए जो मन में आए सो करे, नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता की बात यह है कि बच्चे को
किसी भी चीज की आवश्यकता है वह स्वतंत्र रूप से मांग सकता है, इसका जो गाइडलाइन जो करता था उसे वह मांग सकता है। अगर पढ़ने में कुछ भी तकलीफ हो तो वह अपने शिक्षकों से समझ सकता था, या उसके खाने पीने की जो भी चीज आवश्यकता है वह अपने जो गाइडलाइन जो करते थे उनसे मांग सकता था। दूसरा है, इस विद्यालय में बालकों को व्यक्तिगत आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। ये भी इस विद्यालय की खासियत है कि इस विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी जो बच्चा जिस लायक था उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन्हें की जाती थी। मंद बुद्धि के बालकों थे, कमजोर बालक थे, तो उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिससे उनका जीवन यापन चल सके, बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके और उसे जो भी चीज़ की आवश्यकता है, जो भी पढ़ने में तकलीफ होती थी तो उसे विशेष रूप से अलग प्रकार से प्रशिक्षण दी जाती थी। ये नहीं कि सारे बच्चे को एक साथ ही बताया जाता था, दिव्यांग बच्चे के लिए खास करके एक अलग व्यवस्था इस विद्यालय में थी। अगला है, इस शिक्षा जो है इस विद्यालय में शिक्षा शैक्षिक यंत्रों के द्वारा दी जाती थी। इस विद्यालय में जो शिक्षण की व्यवस्था की जाती थी उस शैक्षिक यंत्रों के द्वारा की जाती थी। शैक्षिक यंत्रों के द्वारा करने से फायदा ये होता था कि बच्चे को तो पढ़ने में मन लगता था और उसे समझने की क्षमता बढ़ती थी। बच्चे दिव्यांग थे, कमजोर मंद बुद्धि के बालक थे, जिसके चलते शैक्षिक यंत्र के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी इससे उसको पढ़ने में रुचि और होता था और मन से पढ़ते थे। अगला, इनमें कोई कठोर समय सारणी नहीं होती थी। एक इसमें एक कोई जरूरी नहीं था कि ये इतना बजे से इतना बजे तक क्लास चलेगा और इतना मैंने 2 घंटा 4 घंटा आपको पढ़ना ही है। बच्चे को जब तक रुचि होती थी तब तक पढ़ता था, उसके बाद में जब भी उसका मन भर गया पढ़ने से तो वह खेलने लगता था। ये कोई कठोर समय सारणी नहीं थी। अगला है, इस विद्यालय में शिक्षक एक योग निर्देशक के रूप में कार्य करते थे, यानी शिक्षक जो है हिटलर की तरह आदेश नहीं देते थे, उसमें सिर्फ शिक्षक का काम था निर्देश देना और बच्चे से उसका कार्य खुद करवाना। इस विद्यालय की बहुत सी बड़ी विशेषता थी, ये शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे और बच्चा अपना कार्य खुद करते थे। शिक्षक का काम क्या था? सिर्फ मार्गदर्शन देना, उसे सही रास्ता दिखाना, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बच्चा अपना कार्य खुद करेगा, क्योंकि जब वो अपने से खुद करेगा तो खुद सीखेगा, करके सीखा हुआ ज्ञान अस्थाई और उपयोगी होता है। इसलिए मंटेसरी विद्यालय में बच्चे को अधिक उसको खुद कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था। उसके बाद बालकों को इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्योंकि मारिया मंटेसरी ने अपने शोध में यह ज्ञान प्राप्त की कि बच्चे को पिछड़े के कारण उनके ज्ञानेंद्रिय के सही विकास न होने के कारण है। ज्ञानेंद्रिया का सही विकास नहीं होने के कारण ही बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं और पिछड़े होते हैं, जिसके कारण उन्होंने बच्चे को ज्ञानेंद्रियों को सही प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान मंटेसरी विद्यालय में दिया जाता है। अगला है, विद्यालय के सभी वस्तुएं बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी विद्यालय में जितने भी वस्तु थे वो सारी वस्तुएं बालक की आवश्यकता की पूर्ति करती है। नेक्स्ट, विद्यालय के लगभग सभी कार्य छात्रों द्वारा अपने हाथों से किए जाते हैं। ये तो पहले भी बताया गया है कि बच्चे को विद्यालय के जितने भी कार्य थे उसे उसके अपने हाथों से कराया जाता है कि बच्चे को जब खुद करेगा तो उसे ज्ञान में वृद्धि होगी, कार्य कौशल सीखेगा और वह जो सीखा हुआ ज्ञान उसका अस्थाई होगा, अधिक दिनों तक रहेगा और उसके लिए उपयोगी भी होगा। तो ये थे मंटेसरी विद्यालय की कुछ प्रमुख
प्रमुख बातें, तो मंटेसरी विद्यालय के कुछ प्रमुख बातें थी। इसके बाद मंटेसरी विद्यालय के कुछ गुण और कुछ दोष भी हैं। हम जानते हैं हर चीज़ में कुछ गुण होता है तो कुछ दोष भी होता है, तो आइए हम लोग मंटेसरी विद्यालय के कुछ गुण के बारे में जानते हैं। इस विद्यालय में बालकों को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है और बच्चे को खेल अत्यंत लोकप्रिय होता है। तो बच्चा को इस विद्यालय की विशेषता ये गुण है ये है कि बच्चे को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है और बच्चे को खेलने में रुचि अधिक होती है। दूसरा है, इस विद्यालय में आत्मशिक्षा पर बल दिया जाता है। इस विद्यालय में आत्मशिक्षा पर बल दिया जाता है जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बने, वह अपना कार्य खुद कर सके और वह दूसरे पर आश्रित न रहे। अगला है, इस विद्यालय में व्यक्तित्व को पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, यानी इस विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास हो। अगला पॉइंट है, इस विद्यालय में अनुभव एवं निरीक्षण पर बल दिया जाता है, यानी इस विद्यालय में बच्चे को अनुभव के द्वारा शिक्षा दी जाती है और यह बताया जाता है कि बच्चे अनुभव प्राप्त करें, अनुभवी बने, अनुभव के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें। अगला पॉइंट है, छोटी आयु के बच्चों के लिए यह विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी आयु के बच्चे के लिए भी और कमजोर और मंद बुद्धि बालकों के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं दिव्यांग बालकों के लिए, यह विद्यालय जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसका जो शिक्षण पद्धति है, इस विद्यालय में जो जिस पद्धति द्वारा शिक्षा दिया जाता है वह दिव्यांग बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी। तो इस विद्यालय में छोटी आयु बच्चे के लिए उपयोगी है, दिव्यांग बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि दिव्यांग बालकों को इस प्रकार की, या जिसमें इस शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जो कमजोर और मंद बुद्धि बालकों की अति उपयोगी है। तो ये तो थी प्रमुख गुण जो मंटेसरी विद्यालय में छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। आते हैं इसमें कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला, शैक्षिक यंत्रों द्वारा शिक्षण। मंटेसरी विद्यालय में शैक्षिक यंत्रों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो जिससे बच्चे को एकांगी विकास होता था, पूर्ण रूप से चौमुखी विकास नहीं होता है शैक्षिक यंत्रों द्वारा जो शिक्षा दिया जाता है। दूसरा है, खेल का वास्तविक सिद्धांत का अभाव। ये बात है कि इस बालक को इस विद्यालय में खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, लेकिन खेल का जो वास्तविक सिद्धांत है उसका इस अभाव होता था, क्योंकि बच्चे को सीखने के लिए खेल कराया जाता था, बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ नहीं दिया जाता था कि जाइए खेलिए। इसीलिए बच्चे को वो खेल द्वारा शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता था। तीसरा है, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इसलिए क्या होता था, बालक के व्यक्तित्व पर अधिक विकास, व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। और इसे होता क्या, बालक के व्यक्तित्व का विकास तो हो जाता है, लेकिन बालक के अंदर सामाजिक विकास का अभाव होता था। इस विद्यालय में जो बालक पढ़ते थे उसके पास सामाजिक, क्योंकि वो बच्चे समाज में घुलते मिले नहीं, समाज से हुए अनभिज्ञ होते थे, जिसके कारण उसमें बालक में सामाजिक विकास नहीं हो पाता था। अगला आता है, इस विद्यालय में मोंटेसरी प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिसमें और बहुत अधिक समय लगता है। मोंटेसरी शिक्षण विधि द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी इस विद्यालय में, वह उस विधि में अधिक समय लगता है। अगला है, इस विद्यालय में शिक्षा पर अधिक व्यय होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को उसी विद्यालय में रहना होता था, बच्चे को खुद अपना कार्य करना होता था, शैक्षिक यंत्र द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो जो मंटेसरी विद्यालय में जिस शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती थी, वो बहुत ही व्ययपूर्ण शिक्षण पद्धति है, जिसके कारण अधिक व्यय इसमें होता था। इसमें ये भी होता था, कुछ ऐसे कार्य सिखाए जाते थे जो बालक के
आयु के अनुकूल नहीं होता था। तो आज हम लोगों ने मंडेकरी विद्यालय के बारे में पढ़ा, उसके कुछ गुण और कुछ दोष के बारे में भी अध्ययन किया। यह विद्यालय दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में ये विद्यालय विश्व के लगभग अधिक देशों में लोकप्रिय है और दिव्यांग बच्चों के लिए यह विद्यालय बहुत ही उपयोगी है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।